तो चलो प्यारे बच्चे इस वाले क्वेश्चन को देखो कहता है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इंक्रीज अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और उसमें हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं इमेजिंग करो कि ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है इस पर हमने रेडिएशन डाल दिए ठीक है और दैट इज़ फ्रीक्वेंसी न्यू इज ग्रेटर देन थ्रेश होल्ड फ्रीकवेंसी से अधिक है तो यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ जाते हैं तो वो अब ये कहता है कि अगर इंटेंसिटी इंक्रीज करते हैं इंटेंसिटी मतलब नंबर ऑफ़ फोटोन इंसिडेंट अगर इंक्रीज़ करते हैं मतलब पहले 100 फोटोन डाल रहे थे तो अब 200 हंड्रेड फोटोन डाल रहे हैं इस तरह से कुछ करेंगे तो अगर जब हम सबको पता है थ्योरेटिकली जब नंबर ऑफ़ फ़ोटोन्स यहाँ इंक्रीज होते हैं तो यहाँ नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएगा तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इनक्रीज हो जाएगी आप ये भी ग्राफ पढ़े होंगे कि इंटेंसिटी के बढ़ाने से फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और करेंट जो होती है दैट इज़ क्यू बाई टी होती है तो पर सेकेंड की बात करोगे तो क्यू की वैल्यू एन ई टी होती है तो करेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के प्रोपोर्शनल uh, आ जाएगा जितना ज़्यादा बीम होगा इलेक्ट्रॉन उतनी हाई करेंट फ्लो होगी तो यहाँ से इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट और ये इसलिए हम लोग समझ में आ गया कि इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इनक्रीज होता है uh, इंटेंसिटी ऑफ लाइट इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होता है काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है तो ये चेंज नहीं होगा फोटो इलेक्ट्रिक करेंट डिक्रीजेस नहीं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे फोटो इलेक्ट्रिक करेंट इंक्रीजेज मतलब सी ऑप्शन सही है काइनेटिक एनर्जी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है नेक्स्ट ये देखो